हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, अब हम इनका नाप बताएंगे। तो ये मेरे 8 पीस हैं जो ढाई ढाई इंच के हैं, ये मेरे 4 पीस हैं जो ढाई ढाई इंच के हैं, ये मेरे 4 पीस हैं जो ढाई ढाई इंच के हैं, ये मेरे 4 पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये भी मेरे 4 पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये मेरा 1 पीस है जो तीन तीन इंच का है। तो फिर तो पहले हम इनको सेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीस लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमें डबल शेड के पीस चाहिए, तो इसलिए पहले हम इस पर लाइन लगाएंगे और फिर बाद में सिलाई करेंगे। तो लाइन मैं हर वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैं ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइन लगा ली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है, और सिलने के बाद हमें बीच की लाइन से कट करना है। तो मैं चारों पीस लाइन लगा के सिल लेती हूँ, तो आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे ये पीस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बीच में से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारे दो डबल शेड के पीस हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डबल शेड के पीस हो गए हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि ये एकदम कंप्लीट से ठीक तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये एडजस्ट हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम भी ये सारे पीस कट कर लेंगे और ढाई इंच से नाप लेंगे। ये वाला पीस फ्रेंड्स मैंने आपको 3 इंच बताया था, ये हमें इसके हिसाब से लेना है 2.5 इंच। तो मुझसे थोड़ा गलती हो गई फ्रेंड्स, तो आप इसको 2.5 इंच नाप लीजिएगा। मैं भी इसको 2.5 इंच नाप लेती हूँ और ये सारे पीस कट करके मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस कट हो गए हैं और जो मैंने 3 इंच का बताया था मैंने 2.5 इंच का कर लिया है। तो मैं ये डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ से सिलेंगे, फिर यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से सिलेंगे और लास्ट यहाँ से सिलेंगे। तो ये मेरे कंफ्यूजन ना रहे इसलिए सिलाई लगाने के लिए पहले एक लाइन मार लीजिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ सिलेंगे, इसको यहाँ सिलेंगे। ये हमने एक एक पीस एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब हम यहाँ से सीधा लाइन लगाएंगे और इसकी भी यहाँ से लाइन लगाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ जिससे मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं इस लाइन सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये जोड़ इधर से सिल गए हैं, उधर से सिल गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इधर से सिलेंगे, इसको रख कर इधर सिलेंगे। जब भी मेरे दोनों पीस हो जाएंगे तो हमें ये इसके साथ जॉइंट करना है। तो मैं ये सिल लेती हूँ और ये सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा इधर का पीस तैयार हो गया है। अब हम इधर का भी पीस ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें ये लाइन सिलनी है। तो पहले हम इसको पलट के यहाँ सिलेंगे, फिर इसको पलट के यहाँ सिलेंगे, फिर बाद में हमें पहले हम ये सिल लेते हैं, फिर बाद में हम ये सिलेंगे, क्योंकि हमें पूरी लाइन सिलनी है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों पीस हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसको ऊपर पलट कर सिलेंगे और पलट देंगे, और फिर इसी पीस को यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बीच की लाइन सिल गई है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे। अब हम इसको इस पर पलटेंगे और यहाँ हमें 4 पिन लगा के पिन अप करना है, और फिर हम ऐसे सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा इधर से कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर रखेंगे। अब इधर से रख के हमें इन जॉइंट पर 4 पिन लगा लेनी है, चारों सिलाई पर, और फिर हमें यहाँ से सिलना है। तो मैं पिन लगा के फ्रेंड्स आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, सारे जोड़ से जोड़ मिले हुए हैं, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।